आपको इतना नहीं पता जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं. हेलो. आई सेड हाय. यो इंग्लिश इज सो वीक. कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम. है अरे यार साफ क्यों मिल रहा है फिर भी. तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागनी तुम भी ना यार. हाय कपिल. पक्का यही था. भूल मैं भूल. तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागनी. या वी गेटिंग समथिंग. लिपस्टिक इज ओके. कॉस्ट्यूम इज फाइन. हेयर भी ठीक है. मतलब क्या मुझे तो सब कुछ याद है यार. तुम एक काम करो अपना खाना कम करो सलाद बढ़ाओ थोड़ा. अच्छा थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो. थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो. तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या. हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी उनमें फाइबर होता है. प्लीज. वैसे मैं सोच रही हूँ. कुछ भूल रही हो तुम यार. मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ तुम समझ नहीं रही हो. तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो. मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा पैदा होने से पहले. मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ. यस मनीष यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर. यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है. थोड़ा उसकी तारीफ भी करो कुछ. अच्छा ठीक है. सीधा मुंह पे बेइज्जती. बेदी साहब कैसे हैं. हाय कपिल. हाँ जी. लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का. शुक्रिया. तुमने टांग नहीं दिखाई. वेरी बैड. थैंक यू रागनी. तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है. एंड ट्रस्ट मी यू रीड इट वेरी वेल रागिनी. इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं. या ओबामा सर भी यही कहते हैं. एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपर्ब ने सुपरमैन की तरह है जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है. नहीं बात कई लोगों को समझ आती है. खैर इट्स ओके. तुम ना आते ही शुरू हो गया. मैं तो जब दुनिया में आया था तभी शुरू हो गया था. अच्छा अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है. खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए अवार्ड फंक्शन में. अच्छा वाला फंक्शन चल रहा होता है जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना सबके मुंह यूं हो जाते हैं. हमारी वाली भी अच्छी लग रही जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे. मैंने रागनी को नॉर्मली चलते हुए देखा. वैसे आमतौर पर ऐसे ही चल के आती है यूं. लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना ये पता नहीं सबको क्या हो जाता. थोड़ा सा लहंगा उठा के ना. तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो. उसको क्यों लंबा पहनती हो. यार कपिल मुझे चल के दिखा दो. मैं सीख लेती हूँ तुमसे. मुझे कैटवॉक करके दिखाओ. चलो. सॉरी. कम ऑन गाइस गिव इट अप फॉर कपिल. थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट. तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना. कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो. मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे. कब मैंने कल एक लड़की को बोला वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी. ओह शी वाज वेरी लो इन इंग्लिश. आई टोल्ड हर दैट यस्टरडे योर टेंपरेचर इज वेरी हाई एंड शी सेड आई एम नॉर्मल. उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ. होता है कभी. मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं. नॉर्मली यू आर 98 एक्चुअली बट यू मे बी गो बिहाइंड द 101 डिग्री एक्चुअली. मे बी फंक्शन खत्म होने तक यू विल बिकम यू नो लाइक अ पिज्जा ऑन समबडी कैन मेक अ पिज्जा ऑन योर फॉरहेड. And you are just beautiful, yaar. क्या बात है. Thank you, Kapil. तुम तो seriously मेरी तारीफ करने लगे. मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार. अच्छा मजाक भी तुम करोगी है. मैं क्या वड़ा पाव खाने आऊँ यहाँ पे. मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब. जहाँ तक मेरा अंदाजा है. अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में लोग. तुम यहाँ होस्ट करने आए हो. हाँ तो वो चल रहा है. वो देखो भाई साहब. अच्छा ये देखो आपकी बेटी है आपकी है. बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते. शादीशुदा आदमी देख लो बेचारा दिवाली वाले दिन बच्चे को पानी पिला रहा है. और बीवी भी मैंने देखा है एक दो साल तक ही बच्चे को संभालती बाद में पति की गोद में बिठा देती. लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में. एनीवेज अंदाजे की बात चल रही थी. हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं. घर में चार चार घड़ियां पड़ी होती फिर भी सोच रहे होते यार 9:30 लगता हो गए दियार बाती खत्म हो गया. सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही लगता है कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू हो गया. कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल. लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है वो है क्विज शो में. आई लव क्विज शोज एक्चुअली. मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊंगी. मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं. अच्छा तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी. यस बताओ पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी. 4. बड़ी बेकार है यार. पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी.
मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी, ये बुक वॉर्म्स। अरे बड़ी हुई उसके बाद तो, उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, पांचवी लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूँ अभी, लड़ाइयाँ तो बड़ी हुई हैं। यार तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई अफलातून क्विज एंकर ही हैंडल कर सकता है।